स्ट्रीट न्यूज़ के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जम्मू के ट्रेडर्स की समस्याओं पे इस प्रोग्राम को केंद्रित कर रहे हैं, जहां एक ओर केंद्र सरकार की ये उम्मीद रहती है कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में योगदान दे, वहीं दूसरी ओर हमारी राज्य सरकार की कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जिससे कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आ सकती हैं। आज के इस एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसी डिसीजंस हमारे बिजनेस कम्युनिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। कहीं इस तरह के डिसीजन के पीछे कोई हिडन एजेंडा तो नहीं, क्योंकि जो रिजल्ट्स निकल कर सामने आते हैं उनसे तो यही प्रतीत होता है। इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं श्री नीरज आनंद जी। नीरज जी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं और चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन जम्मू प्रोविंस के प्रेसिडेंट हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो शुरुआत हम करते हैं जीएसटी से। जीएसटी को लगभग 2 साल हो चुके हैं लागू हुए हुए, और जहाँ तक मुझे याद है आपकी फेडरेशन जो थी वो फर्स्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने जीएसटी को लागू करवाने के लिए बहुत सारा काम स्टेट में किया और जो इसके फेवर में भी थी। तो जस्ट आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी को लागू करवाते समय बहुत सारे ह्यूज एंड क्राइज हुए, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज बिजनेसमैन के माइंड में थी। क्या आज की डेट में ये स्मूथ सेलिंग हो रही है इसको लेके, या अभी भी कुछ ऑब्स्टेकल्स या कुछ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स इसके रास्ते में हैं? देखिए रवि जी, आपने जीएसटी की बात करी तो जिस तरह से सबको पता है कि पूरे देश में जब जीएसटी लागू हुआ तो हमारे प्रदेश में तब तरह तरह की वॉइसेस आ रही थी। हमारे स्टेट में कुछ ऐसे माहौल थे उस वक्त पॉलिटिकल भी, जिनका ये मन था कि हम लोग स्पेशल स्टेटस है, राजनीति दबा के हो रही थी। सीटीएफ ने क्लियर स्टैंड लिया, क्योंकि हम जानते थे कि देश भर में जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है कैट, जिसकी आपने अभी बात की है, तो हम लोग उनसे जब भी हमारी चर्चा हो रही थी, जो भी हमें फीडबैक वहाँ से आ रहा था, हम ये जान गए थे कि जीएसटी एक गेम चेंजर साबित होने वाला है रिगार्डिंग बिजनेस इन इंडिया, पर्टिकुलरली फॉर ट्रेडिंग कम्युनिटी। लेकिन कुछ हमारी ताकतें हमारी स्टेट में ऐसी थी जो हेलबेंट थी कि नहीं, किसी ना किसी तरीके से हम इसको डिस्टर्ब करें। आपको पता ही है, केंद्र की जो भी बात होगी, हमारे कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो जानते हैं कि भाई जितना हम उसको अपोजिशन करेंगे उनका उस तरह का कश्मीर में उनका अपने हिसाब से पॉलिटिकल एंगल रहता है। लेकिन एक चीज़ तो रवि जी आप समझेंगे कि जो व्यापार है वो राजनीति से ऊपर उठ के होता है, व्यापार क्लैरिटी से किया जा सकता है। तो टैक्सेशन रिफॉर्म में जीएसटी का हमने सपोर्ट इसीलिए किया था क्योंकि इससे एक बहुत बारी क्लैरिटी आने वाली थी, और बड़ी देर बाद, मैं कहूँगा इंडिपेंडेंस के बाद, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है वो फोकस में आने वाली थी, ये हम जान गए थे। क्योंकि इस टैक्सेशन में क्या है, मैं इसमें आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि जीएसटी से पहले क्या था कि जो हमारी तरह तरह के टैक्सेस थे, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज थी या डिफरेंट तरह के सेस थे या अगेंस्ट फॉर्म सी परचेज होता था अगर हम बाहर से माल लेके आते थे, वैट था तो स्टेट्स अपने अपने हिसाब से कॉमोडिटीज़ के ऊपर वैट में कुछ दरों में रियायत कर सकती थी, कुछ उस तरह के प्रावधान थे। लेकिन जब जीएसटी आया, वन नेशन वन टैक्स का उसको नाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि रेट ऑफ टैक्सेस एक जैसे होंगे, और उसमें सीधा सीधा प्रावधान ये था कि भाई आईजीएसटी जब आप कोई भी प्लांट से माल खरीदेंगे, दूसरे खित्ते से माल लेके आएंगे, क्योंकि हमारे को जम्मू कश्मीर प्राइमरली सब जानते हैं कि हम एक कंज्यूमिंग स्टेट हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं हैं, तो देश के बाकी भागों से हम लोग माल खरीद के लाते थे। तो ऐसे में केंद्र के पास और स्टेट्स के पास अगर कोई कंट्रोल था तो उसमें ट्रेडर का रोल बहुत अहम होने वाला था, क्योंकि जब फैक्ट्री से माल निकला तो आईजीएसटी जो जानी थी वो जानी है केंद्र के पास, और जिस भी स्टेट में जब वो माल कंज्यूम होगा एंड में जाके, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम दर, जैसे आपने देखा 28% है, तो उसका आधा सीजीएसटी वापस उस
पूल में सेंट्रल पूल में जाएगा और 14% उसका आधा यानी स्टेट को जाएगा। तो उससे हमें यह पता था कि जो ट्रेडर है वो सिर्फ टैक्स कलेक्टर ही नहीं बनने जा रहा, तो हम जानते थे कि जो ट्रेडर है वो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर पढ़े लिखे के लिए भी बन के आ रहा है। आगे तो होता था हमारी दुकान पे वो बच्चे काम करते थे या वो एम्प्लॉय होते थे हमारे जो कहीं पे जहाँ जिसको काम नहीं मिलता था, जो अनस्किल्ड है या बेचारा कोई जिसको आप कह सकते हो कि उतना फिजिकली भी अगर हैंडीकैप्ड भी है तो वो उसको भी छोटे से छोटे दुकानदार पे पास काम मिलता था। लेकिन जीएसटी आने से क्या हो गया कि हर दुकानदार को उसकी जो रिटर्न की कंप्लायंस है उसको एक पढ़ा लिखा अकाउंटेंट, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना ही है। तो हम लोग एक बहुत बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के तौर पे भी उभर के उसमें आए। तो हम ये जान गए थे कि जब आप सरकार के साथ उसके टैक्स कलेक्टर बनने जा रहे हैं, पहले भी था व्यापारी लेकिन चूंकि टैक्सेस की ताना बाना इतना लंबा चौड़ा था वो आज की डेट में कम हुआ है। और आपने देखा जब जुलाई माह में, जुलाई 17 में 1 जुलाई से पूरे देश में लगा और 6 जुलाई को हमारी स्टेट ने उसको अडॉप्ट किया, तो उस समय से लेके आज तक ऑलमोस्ट 400 बार अमेंडमेंट हो चुका है जीएसटी एक्ट में नेशनल लेवल पे। तो आप यहाँ से ही समझ सकते हैं कि जब वो एक्ट आया तो उसमें कौन सी आइटम कहाँ है, कौन से बहुत उसमें हिकअप्स थे, सरकार ने भी समझ की। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि केंद्र की सरकार ने उसमें बाद में उनको भी समझ आया कि भाई अगर हम लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, लोगों की मांगों को एड्रेस नहीं करेंगे, कई ऐसी आइटम्स थी जो असेंशियल कमोडिटीज़ भी हायर स्लैब्स में चले गए थे, आज उनको स्ट्रीमलाइन करते 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 अब एक ऐसा दौर और ऐसे वक्त में हम पहुंच गए हैं कि चीज़ें काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हुई हैं। और मैं कहना चाहूँगा जीएसटी आने के वजह से ही आज ट्रेडर ऐसे मुकाम पे पहुंचा है, पहली बार हुआ है। अभी इसी पिछले महीने 19 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर ट्रेडर्स की कन्वेंशन को एड्रेस करने आया और उन्होंने आके जो हमारे ट्रेडर्स के इश्यूज थे उसके ऊपर उन्होंने बड़ी बेबाकी से राय रखी। तो कहने का भाव ये है ये जीएसटी की वजह से ही संभव हो पाया है क्योंकि जीएसटी ने ट्रेडर को फोरफ्रंट पे ला दिया है। यानी आज इंडस्ट्रियल सेक्टर से निकल के सिर्फ इंडस्ट्रियल कम्युनिटी को ही जो शॉप्स दिए जाते थे गवर्नमेंट की तरफ से, आज सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट की गवर्नमेंट को भी अब ये समझना पड़ेगा कि जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसको लूप में लिए बिना अब आगे, जैसे हमारे यहाँ पे अगर हमारी स्टेट को जीएसटी पूल में से पैसा मिलना है तो वो रवि जी तभी मिलेगा जब हमारा ट्रेडर बिल काटेगा। हम आधे टैक्स कलेक्शन के भागीदार स्टेट को हम अगर बनते हैं तो नेचुरली उसमें स्टेट को कॉपरेट करना पड़ेगा। हम स्टेट से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे कंप्लायंस के लिए तो हम खुद चाहते हैं, सीटीएफ इस चीज़ का हामी है कि आप जितनी कंप्लायंस बढ़ाइए ताकि आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और जीएसटी का अभी तक हमारी स्टेट को जितना बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। ओके, तो जहाँ तक आपने बात की, आपने एक टर्म यूज़ की वन नेशन वन टैक्स, हमें एक छोटा सा लैकुना इसमें नज़र आता है जो कि शायद स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे है। अभी तक हमारा ट्रेडर टोल टैक्स लखनऊपुर में दे रहा है, तो फिर वन नेशन वन टैक्स कैसे हुआ? देखिए ऐसा होता है रवि जी, इस चीज़ को लेके हम बड़ी देर से अपनी प्रदेश की सरकार से मैं कहूँगा एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो क्यों लड़ रहे हैं? वो हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। इस वजह से जो ट्रेडर है जेन्युइन उसका एग्जिस्टेंस आज खतरे में है। देखिए वो क्यों है, सिर्फ वन नेशन वन टैक्स की बात नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लूँगा इसमें। जब वैट था ना तो हमारी स्टेट में वैट की जो परसेंटेज थी वो तो थी, साथ में हमारे जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंट्री टैक्स भी हुआ करता था। वो एंट्री टैक्स ये था कि कोई अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर अगर देश के किसी भी भाग से कोई सामान लेके आता है तो उस सामान के ऊपर भी उसी दर से एंट्री टैक्स लगता था जिसके ऊपर हम जैसे हमको लगता है। अगर वो कंसील करके लाता था तो फिर उसको पेनल्टी भी पड़ती थी, जिससे क्या होता था जो बाहर से लाने वाला था वो डिस्करेज हो जाता था और वो लाता नहीं था, इसलिए हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। अब क्या हुआ है विद द एडवेंट ऑफ दिस जीएसटी,
वन नेशन वन टैक्स पीछे तक तो हो गया, कितनी आप कह सकते हो बेबाकी से लोग कहते थे कि जी अभी जीएसटी आया नहीं था तो हमें विभाग से ये इन्फॉर्मेशन आना शुरू हुई बार कि भाई जीएसटी हमारी स्टेट में कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो कुछ लोग बात करते थे जी टोल टैक्स तो रहेगा, सेल टैक्स की पोस्ट वहाँ से हट जाएगी। और रवि जी हमने बाकायदा लिखित ये सरकार को दिया कि अगर आप रेवेन्यू की बात करते हो, अगर आप स्पेशल स्टेटस की बात करते हो, तो एंट्री टैक्स लगता है अनरजिस्टर्ड लोगों को या जो बाहर से लोग आएंगे उनको, टोल टैक्स तो हम देते हैं। और आज क्या होता है और हमारा उसमें क्यों इनके साथ तभी से विरोध हो गया, हमने तब के जो मौजूदा हमारे चीफ मिनिस्टर थी हमने उनको भी मीटिंग में कहा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने उल्ट काम कर दिया है, उन्होंने एंट्री टैक्स रखना चाहिए था जी। अगर रखते देश को दर्शाते कि हम स्पेशल स्टेट हैं, वो भाई आप अपने ही लोगों के ऊपर टोल लगा के अपने लोगों को टैक्स कर रहे हो, तो बाहर वाले जो लोग आ रहे हैं वो तो आईजीएसटी की बिलिंग करके, आज पंजाब का ट्रेडर है, दिल्ली का है, वो वहाँ से आईजीएसटी की बिलिंग करके माल भेज रहा है, आप ले आ रहे हैं, आप घर में कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें मेरी स्टेट के रेवेन्यू का भी लॉस है। समझना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं बाहर से कोई माल लाता हूँ मेरे को टोल के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है जीएसटी, मेरे को फ्रेट के ऊपर भी देना पड़ता है। जबकि अगर आप एज ए कंज्यूमर ले आते हैं तो होता क्या है, देखिए इकोनॉमी में एक ट्रस्ट डेफिसिट बनता है, मैं बिल काट के बिना तो माल बेच नहीं सकता, जो भी मेरा जेन्युइन ट्रेडर है वो तो बिल काट के माल बेचेगा, जैसे ही वो बिल काटता है उसको टोल के ऊपर और फ्रेट के ऊपर जब जीएसटी एडिशनल लगता है तो वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाता है। और आम आदमी भी सोचता है भाई मैं पंजाब से लेके आ रहा हूँ तो मेरे को ये चीज़ तो सस्ती पड़ रही है, तो इस चीज़ ने हमारे जेन्युइन ट्रेडर्स को बाज़ार से बाहर कर दिया। और हमें बड़ी हैरानगी है कि कौन लोग ऐसे बैठे हुए हैं अफसरशाही में जो जब हमसे मिलते हैं तब तो कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब उसको ठीक करने की बारी आती है, जब उस इशू को एड्रेस करने की बारी आती है, तो फिर वो वहीं के वहीं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा उन कुछ अफसरों की वजह से हमारे स्टेट में करप्शन का लेवल इतना बड़ा है कि जिसकी वजह से जो जेन्युइन ट्रेडर है या तो वो यहाँ से माइग्रेट कर रहा है और या वो अपने बिजनेस को बंद कर रहा है। देखिए आप रेड करेंगे, आज आपने देखा होगा कुछ विभाग के लोग कभी एक बाज़ार में जाते कभी दूसरे में जाते हैं, यानी आप पहले फैसिलिटेट कर रहे हैं कि कोई आदमी वहाँ से नंबर दो का माल लेके आए, फिर यहाँ वो बेचे, फिर आप उसको पकड़ें। उस डिसगाइज में क्या होता है, जो जेन्युइन है हमारा दुकानदार वो भी उसमें पिस जाता है, उसके ट्रेडिंग आवर्स लॉस होते हैं, उसके बिजनेस आवर लॉस होते हैं, उससे क्या होता है फिर एक स्टेलमेट बनता है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो जिस तरह के कहते हैं ना, हमेशा आपको टैक्सेशन रवि जी तभी मिलेगा जब आप वॉलंटरी कंप्लायंस की तरफ बढ़ेंगे। सरकार के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो टैक्सेशन में फ़र्क आ रहा है इसको जब तक इस एनोमली को आप दूर नहीं करेंगे। हमने अभी पीछे आपने कहा वन नेशन वन टैक्स, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि हमने क्या एज ए फेडरेशन हमने क्या कदम उठाया इस एनोमली को दूर करने। मैं बताता हूँ आपको अभी क्या हुआ पिछले दिनों, क्योंकि आज हमारी स्टेट गवर्नर रूल के तहत है, हमें बड़ी उम्मीद थी कि हमारे आदरणीय गवर्नर जी ने बहुत स्टेप्स अभी उठाए हैं जो कि बड़े सराहनीय हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उनको वक्त मिले, अब जब सेक्रेटरीट खुलता है तो वो इसके ऊपर भी संज्ञान लें। हमने जो आप जैसे कह रहे हैं ना, पिछले दिनों क्या हुआ, एक और हमारा साथी बड़ा संगठन है जो क्लेम करता है कि भई हम व्यापारियों के हितों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमने इस इशू पर, क्योंकि मैं उस इशू को भी टच करना चाहूँगा, हालांकि आपने उस तरफ अभी बात नहीं की है, कि जैसे यहाँ पे हमारे बीच में वेज क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जी टोल टैक्स का जो इशू है जैसे जो आप कह रहे हो, वो इंडस्ट्री कहती है जी टोल लगा रहना चाहिए और मैं डिटेल में बताएं इसमें, मैं इसलिए मैं आपसे वही इम्पोर्टेंट मुद्दा है वही मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। आप इंडस्ट्री के किसी भी भाई से आप पूछिए, हमने इस बात का कभी विरोध नहीं किया कि हमारे इंडस्ट्री के भाइयों को जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं वो ना मिले जी, और बड़ी मज़े की बात है 96.7% इंडस्ट्री जो है जिसको टोल का कोई लाभ नहीं, ठीक है, और जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लॉबी है मैं कहूँगा, वो लेकिन इतने हावी हैं उस चीज़ में कि वो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको वो डिसीजन लेने में इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से
हमारा ऐसा नहीं है कि जो बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, लेकिन हमें उसमें भी कोई विरोध नहीं है। देखिए, हमने टोल लेना है लोगों से, हमारा विरोध कहाँ है कि हमने कहा कि भाई जब जो आदमी बिना रजिस्टर्ड के, क्योंकि आज जीएसटी में क्या है, आप अपना कोई भी सामान लेना चाहते हैं आप पंजाब जाइए, आप ले आइए एज ए कंज्यूमर, आप वो अनरजिस्टर्ड पार्टी के नाते आपको आईजीएसटी का बिल काटेगा, आप टोल भी दीजिए, किराया लीजिए, अपने घर ले आइए, आप मेरे से क्यों खरीदेंगे? पर मुझे उस पर टोल देना पड़ेगा। टोल आपको भी लगेगा, लेकिन आपको टोल और किराए पे जीएसटी नहीं लगेगा, वो तो आप घर में लेके कंज्यूम कर लिए। लेकिन जब मैं अपने घर में लाता हूँ, मैंने भी तो देश के किसी और हिस्से में लाना है, तो मैंने जब आपको बिल काटना है एज ए कस्टमर, तो मैंने उस टोल के ऊपर और किराए के ऊपर मेरे को जीएसटी पड़ना है। ठीक है, तो वहीं पे हमारा कैच है। हम कह रहे हैं, जो अभी कमेटी बनाई थी चीफ सेक्रेटरी साहब ने गवर्नर साहब के निर्देश के ऊपर, बड़ी हैरानगी हुई हमें कि एक ही तरफ से सारे मेंबर ले लिए गए उसमें, लेकिन हमें जब जो मौका दिया गया, हमने उसमें लिखित तौर पे दिया कि हमें कोई विरोध नहीं है, आप टोल टैक्स लेना चाहते हैं, लोगों के ऊपर लेना लगाना चाहते हैं, आप लगाइए, आप आम जनता को रिलीफ नहीं देना चाहते, हम तो लड़ रहे थे कंज्यूमर्स के लिए। अगर कंज्यूमर नहीं समझते हैं, उनको अगर लगता है कि भाई हमें अपने लोगों को रिलीफ नहीं देना है, तो आप मत दीजिए, लेकिन हमारे व्यापार को तो बचाइए। हमने कुछ नहीं और मांगा, हमने कहा आप और रेवेन्यू कमाइए, आप एंट्री टैक्स इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ताकि जो अनरजिस्टर्ड आदमी है या जो कंज्यूमर वहां से डायरेक्टली ला रहा है, वो उसके ऊपर वो एडपार आ जाए हमारे साथ, ताकि वो एक ट्रस्ट डेफिसिट ना बने। जब हम कंज्यूमर को बेचते हैं, वो सोचता है कि हम एडिशनल पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि टोल वो भी दे रहा है, लेकिन उसको इस बात की समझ नहीं है। तो ये एक अननेसेसरी एक वेज क्रिएट करने का कोशिश करी गई हमारे और इंडस्ट्री के बीच में, जो कि हमने आज तक कभी, चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन ने ये कभी नहीं कहा कि आप इंडस्ट्रीज़ को ये शॉप्स दे रहे हो, ये इंसेंटिव दे रहे हो, ये उनको मत दीजिए। क्योंकि देखिए, हम देश के एक ऐसे हिस्से में बैठे हैं कि जहाँ पे रॉ मटेरियल इंडस्ट्री, अगर कोई यहाँ किसी भाई ने हमारे ने लगाई है, रॉ मटेरियल वो देश के बाकी हिस्सों से लेके आएगा, तो अगर वो किसी तरीके से वो कोप अप कर रहा है, तो हम नहीं चाहते उसकी इन्वेस्टमेंट कहीं पर उसको फ़र्क पड़े। लेकिन ये मैं कहूँ, फिर कहना चाहूँगा, ये एक ऐसी मिथ बनाई हुई है कुछ लोगों ने, अब उनको ये समझना पड़ेगा। पर इसमें बीच का रास्ता क्या है? मैंने आपको सीधा कहा कि सिचुएशन दोनों, मैंने आपको कहा ना, बीच के रास्ते की कोई बात ही नहीं। हमने कहा आप वो कैरी फॉरवर्ड कर ही रखिए, आप एंट्री टैक्स लगा दीजिए, आप वो रेवेन्यू लगाइए, खत्म बात। क्योंकि देखिए उसमें क्या है, यहाँ पे क्या कहते हैं जी, अगर हमने लखनपुर टोल पॉक्स, उस केस में तो ट्रेडर बच जाएगा ना, पर कंज्यूमर तो फिर भी नहीं बचेगा। देखिए, तो कंज्यूमर आज कहाँ बच रहा है? कंज्यूमर को भी तो टोल लग ही रहा है ना, कंज्यूमर को तो आज भी टोल देना पड़ रहा है। तो हमने इसीलिए कहा, असूलन तो ये बनता है कि वन नेशन वन टैक्स के दायरे में टोल टैक्स आप नहीं लगा सकते और नहीं लगना चाहिए। हमने इसीलिए इसको डे वन से फाइट किया कि जब अभी लगा नहीं था, हमने कहा लगाइए, चूंकि हम कंज्यूमिंग स्टेट हैं और जीएसटी का लाभ सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर को मिलेगा, लोगों को चीज़ें सस्ती मिलेंगी। लेकिन आज क्या हुआ, माफ़ करिएगा मुझे रवि कांत जी, आप बाज़ार में जाइए, चीज़ें सस्ती नहीं हुई हैं पंजाब में, लेकिन सस्ती हुई हैं। ठीक है, आप दिल्ली में आप जाइए, आपको चीज़ें सस्ती नज़र आएंगी। तो वो जो एक लाभ हमारे देश के इस इतने बड़े टैक्स रिफॉर्म का हुआ, वो सही माने में हमारे जो लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। देखिए, मैं भी तो कंज्यूमर हूँ, अगर कोई एक चीज़ बेचता हूँ तो बाकी तो मैं भी कंज्यूम करता हूँ, तो मैं अगर टैक्सेशन के पार्ट को समझता हूँ तो मुझे भी अफसोस होता है कि मैं क्यों ज़्यादा पैसे शेल आउट। तो चलिए, लोगों को भी समझ आया कि स्पेशल स्टेटस होने का पहला फ़ायदा लोगों को ये मिला। नीरज जी, अभी हमने पीछे देखा, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और आपने एक बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाया क्वालिटी कंट्रोल का, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की परचेजेस में होता था, तो उसका क्या इशू है, जरा वो थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, ऐसा है, उसमें एक बहुत बड़ा इशू बन रहा था पिछले दिनों, हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, कुछ कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से कंप्लेंट आए, और जब हमने उनके ऊपर खुद वेरीफाई की तो बड़े चौंकाने वाली बातें हमारे सामने आई कि कैसे गवर्नमेंट की जो सबसे मुख्य नोडल एजेंसी थी, जो की कंस्ट्रक्शन मटेरियल को परचेज करती थी, उसको किस तरह से डिसबैंड कर दिया गया, उसको टोटली रिडंडेंट करके बिठा दिया गया, लोगों को वहाँ पे बिठा के तनख्वाह दी जा रही है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री पड़ा हुआ है, पिछले 3-4 वर्षों से उनको ना ही टेंडरिंग करने दी जा रही है, प्रोक्योरमेंट उनकी तरफ से कोई नहीं हो रही, कोई पूछने वाला नहीं है। बड़ी हैरानगी हुई हमें, क्योंकि इसका सिर्फ
बहुत दूरगामी इम्पैक्ट है हमारे जम्मू क्षेत्र की इकोनॉमी को लेके, क्योंकि हमें लगा, क्योंकि दो इश्यूज़ थे उसमें। एक तो देखिए, जो की कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसमें स्टील, सीमेंट और बिटुमन आते हैं मुख्य रूप से, तो हमारी चूँकि स्टेट जो है जोन फाइव में आती है, हिली एरिया है, तो हमारे सरकार का तो ये प्रयास होना चाहिए थे कि हम बढ़िया से बढ़िया चीज़ों को खरीद के जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसमें हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ओवरहेड टैंक्स बन रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा एक ओवरहेड टैंक गिरा, उस चीज़ ने हमें प्रॉम्प्ट किया कि नहीं, अब हम इस चीज़ पे चुप नहीं रहेंगे, बात करेंगे, सरकार से भी क्वेश्चन करेंगे। और चूँकि आज हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, चूँकि गवर्नर रूल है, गवर्नर साहब इस बात का कड़ा संज्ञान लेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो वो डिपार्टमेंट जो पूरा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे माल प्रोक्योर करके फिर R&B, PWD, इरीग्रेशन, फ्लड कंट्रोल उनको इशू करता था, उनको पूरे उस विभाग को ही बिठा दिया गया। पब्लिक एक्सचेकर का पैसा तो है ही है, आप मुलाजमों को तनख्वाह दे रहे हो, उनसे काम कोई नहीं ले रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, वहाँ पर गोडाउन खाली पड़े हैं, यार्ड खाली पड़ा है, ट्रक्स जो चलते थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का माल आगे पीछे पूरे प्रोविंस में लेने के लिए, वो बंद पड़े। और मैं कहूँगा, जब हमें पता चला ये विभाग वायद एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसका डायरेक्टरेट जम्मू में था, जिसका डायरेक्टर जम्मू में बैठता था और जॉइंट डायरेक्टर कश्मीर में बैठता था, और वो पूरी स्टेट के लिए यहाँ से माल प्रोक्योर करके पूरे प्रोविंस में और स्टेट में वहाँ भी बेचते थे, लेकिन उनको फ्री करके बैठा दिया गया। सिर्फ जम्मू में ही नहीं इंफ्रा फ्री पड़ा है, कश्मीर में भी इसी तरह ऑफिस उनका बंद पड़ा है, बिठा के तनख्वाहें दी जा रही हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, चूँकि जम्मू के हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को, चूँकि जब वो नेशनल प्लेयर माल सप्लाई करते थे या देश के जिस भी हिस्से से माल आता था, वो पहले रेलवे स्टेशन जम्मू पे उतरता था, वहाँ से वो स्टोर में आता था, फिर स्टोर से वो विभिन्न प्रोविंस के या स्टेट के बागों में जाता था, तो सबको काम मिलता था। तो ये कहीं ना कहीं हमें महसूस हुआ कि ये जम्मू की इकोनॉमी को हिट करने के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कुछ ताकतों की तरफ से, जो शायद अपने गवर्नर साहब की नॉलेज में लाना ज़रूरी समझा हमने। हमने ये जो पीछे प्रेस वार्ता की और आज आपके सामने भी और आपके माध्यम से भी हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक ही विभाग नहीं, अब तैयारी चल रही है, हमें पता चला जैकफेड को भी बंद करने की तैयारी चल रही है। आज ही के पेपर में आपने देखा होगा कि आज हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि भाई आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोला कि आप अपने मुलाजमों को, उनको जो बेचारे रिटायर हुए हैं, उनको तनख्वाह देने के लिए पैसा दिया जाए। यानी कुछ ऐसे लोग थे या हैं, मैं कहूँगा, जिन्होंने क्योटिक सिचुएशन बना दी है कि कहाँ जा रहा है कोई आंसरेबल नहीं है, किसी को कोई डर नहीं है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि गवर्नर रूल है और गवर्नर रूल में भी जो कुछ ऐसे अफसरशाही में लोग बैठे हैं जिनको कोई फिक्र ही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर जल्द से जल्द और कड़ा संज्ञान लेने की ज़रूरत है। देखिए, ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। जो कॉलेजेस अगर बन रहे हैं नए, जो हॉस्पिटल्स नए बन रहे हैं, जो ब्रिजेस नए बन रहे हैं, अगर उनमें अच्छी गुणवत्ता का क्वालिटी चेक का मटेरियल नहीं लगेगा तो कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हो गए? बाद में हम लोग सिर्फ क्वालिटी चेक पे बात करते रहेंगे, वैसी बात नहीं है। तो हम आदरणीय राज्यपाल महोदय जी से ये निवेदन भी करना चाहेंगे ताकि वो जल्द से जल्द इसका संज्ञान लें, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको अगर वक्त रहते एड्रेस नहीं किया गया तो ये सिर्फ क्वालिटी की नहीं बात रहेगी, हमारे जम्मू की इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। चलिए, दैट मीन्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम समय रहते कुछ ना कुछ इसके बारे में उपाय सोचें। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो आपने देखा किस तरह हमारी स्टेट गवर्नमेंट एक्स्ट्रा कर वसूल करके और कुछ इस तरह की पॉलिसीज फ्रेम करके जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को और बढ़ावा मिल रहा है, और ये भी देखने में आया कि जम्मू प्रोविंस जो है वो ज़्यादा हिट हो रहा है, तो किस तरह इस तरह की पॉलिसीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। जनता को इसके बारे में सोचना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं उनको इसके बारे में सोचना चाहिए और इसके बारे में आगे किस तरह से स्थिति को सुधारा जा सकता है इसके बारे में कुछ ना कुछ हमें देखना चाहिए, करना चाहिए। इसी के साथ आज आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी।